योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विकास भवन में प्रेस वार्ता करके सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने बताया, वैसे तो 100 दिन बहुत कम है, मगर इन 100 दिनों में योगी सरकार ने जो कार्य किए हैं वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। हर क्षेत्र में सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री जी ने GST पर बोलते हुए कहा, आज विरोधी जिसका विरोध कर रहे हैं वही GST जनता के लिए हितकारी साबित होगा। तहसील क्षेत्र में 20 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे की बात कही, और हर क्षेत्र से हमको सुनने को मिला है। ये खबर भी मिली है जो हमने प्रत्यक्ष रूप से भी देखा है कि बिजली की स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हुआ। महसूस करते हैं कि योगी की सरकार ने पहले से बिजली की व्यवस्था को काफी दुरुस्त किया है। तो बिजली हो, सड़क हो, सफाई हो, सिंचाई हो, हर तरफ हमारा ध्यान गया है। हमने डॉक्टरों की उम्र 60 वर्ष से 62 वर्ष बढ़ा दी। कॉन्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर हम डॉक्टरों को जो विशेषज्ञ हैं उनको भी, और जो सामान्य डॉक्टर हैं उनको भी हम कॉन्ट्रैक्ट के आधार के ऊपर सेवा का अवसर देंगे। आवागमन लोगों का सुविधाजनक हो, इस उद्देश्य से 15 जून बॉर्डर लाइन तय की गई थी कि गड्ढा मुक्त सड़कों को बनाएंगे। हम शहरी क्षेत्र में 65% से ज़्यादा हमने गड्ढा मुक्त किया है और आगे भी लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में भी मैं समझता हूँ कि 50% से अधिक स्थानों पर गड्ढा मुक्त हुए हैं और ये लगातार चलेगी के ऊपर 31% 30.81% टैक्स था, उसको घटाकर कहीं 28 किया गया, कहीं 20 किया गया, कहीं 19 किया गया, कहीं 18 किया गया, कहीं 12 किया गया, कहीं 5 किया गया। हम कंपैरेटिव चार्ट लेके बैठेंगे आपके संग और हम आपको साबित कर देंगे कि GST इस देश के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम है। जिन जिन क्षेत्रों में GST जा रहा है, जो आवश्यकताएँ हैं उनके लिए हमने टैक्स के रेट भी कम किए, 5%, 12%, 18% और 28%। 28% केवल जो मदिरा पान के लिए, तंबाकू के लिए, या उसके लिए है कि जो बिल्कुल ही बिलासता के आइटम,